नमस्कार, हूँ सुमित। आप जोई रहा न्यूज 18 गुजराती। एक महत्वना समाचार सामे आवी रहा छे। महाराष्ट्र राजकारण ने लईने मोटा समाचार सामे आवी रहा छे। उद्धव ठाकरे छोड़ी रहा छे सरकारी निवास। उद्धव ठाकरे सीएम पद पण छोड़ी शके छे। उद्धव ठाकरे छोड़ी सरकारी सीएम हाउस, तो हवे पोताना मूल निवास स्थान मातोश्री में रहेशे उद्धव ठाकरे। सरकारी आवास थी सामान्य थई रह्यो छे शिफ्ट। तो महाराष्ट्र राजकारण में राजकीय उथापटल सवारथी जे शुरू छे, त्यारे अत्यारे सौथी मोटा दृश्य सामे आवी रह्या छे। जे सरकारी बंगलो छे उद्धव ठाकरे नो, वर्षा बंगलो, त्यांथी ते पोतानुं सामान शिफ्ट करी रह्या छे अने मातोश्री में जई रह्या होवानी माहिती सामे आवी रही छे। तो राजकीय उथापटल वच्चे सौथी मोटा समाचार के मुख्यमंत्री, जे मुख्यमंत्री बंगलो छे तेने छोड़ीने निकली चूक्या छे। सतत अमे आपने दृश्य बतावी रह्या छे। अत्यारे તેઓ પોતાની ગાડીમાં માતોશ્રી તરફ જઈ રહ્યા છે, જેમનો તે વર્ષા બંગલો હતો, જે મુખ્યમંત્રીનો બંગલો કહેવામાં આવે છે, તે બંગલો તે છોડી ચૂક્યા છે। તમામ સામાન લઈને મુખ્યમંત્રી પોતાનો બંગલો છોડી ચૂક્યા છે। એવા પણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે આગામી સમયમાં સીએમ પદ પણ ઉદ્ધવ ઠાકરે છોડી શકે છે। તો સતત અમે આપને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ જેમાં તેમની ગાડી જઈ રહી છે, સુરક્ષા પૂરેપૂરી સુરક્ષાની સાથે તેમની ગાડી જઈ રહી છે। તે અત્યારે માતોશ્રી તરફ જઈ રહ્યા હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે। પોતે પોઝિટિવ આવ્યા છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું હતું। તો તે બાદ અત્યારે તે માતોશ્રી તેમના નિવાસસ્થાન ખાતે જઈ રહ્યા છે। વર્ષા બંગલો તે છોડી ચૂક્યા છે, તેમનો તમામ સામાન પણ તેમની સાથે લઈ લેવામાં આવ્યો છે। એટલે કે મહત્વના સમાચાર કહી શકાય કે જે રાજકીય ઉથાપટલ થઈ રહી છે, તે બાદ મુખ્યમંત્રીએ તેમનો બંગલો, જે સરકારી બંગલો છે, તે છોડી દીધો છે। અને એક સમાચાર તેવા પણ આવી રહ્યા છે કે આગામી સમયમાં તે મુખ્યમંત્રી પદ પણ છોડી શકે છે। તો સતત દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, તે મીડિયા પણ તેમને ઘેરી ચૂક્યું છે। તેમની ગાડી જે જઈ રહી છે અત્યારે વર્ષા બંગલોમાંથી બહાર તો અમારી સાથે સંવાદદાતા અમિત રાય જોડાઈ ગયા છે। અમિત, ક્યાં સ્થિતિ અભી? ઉદ્ધવ ઠાકરે અપના બંગલો, જો સરકારી બંગલો વો છોડ ચુકે હૈ। ठीक है, निश्चित तौर पे सरकारी बंगलो छोड़ के वो अपने घर मातोश्री जा रहे हैं, गाड़ियों में है, हाथ जोड़कर शिव सैनिकों का अभिवादन कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों पे फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि पूरे रास्ते में जो है शिव सैनिक खड़े और लगातार उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो है नारे लगाए जा रहे हैं। अभी जो है लगभग 3 से 4 मिनट पहले जो है वो वर्षा से निकले हैं मातोश्री के लिए। उनके साथ में जो है उनकी पत्नी है रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बेटे हैं और तेजस ठाकरे भी मौजूद हैं। तो लगातार जो है वो क्योंकि कुछ देर पहले जो है उनका सामान जो है वो शिफ्ट किया गया मातोश्री के लिए, अभी वो खुद निकले हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तरह से विधायकों की संख्या बढ़ रही है एकनाथ शिंदे के साथ, उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि आखिरकार नंबर का सारा खेल और नंबर उनके पास मौजूद नहीं है। भले उन्होंने देर शाम को जो है फेसबुक लाइव किया था और उन्होंने अपील की थी यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सीएम पद से रिजाइन दे दूं तो आप जो है मेरे सामने आइए, मुझसे बात करिए, जो परेशानी है मुझे बताइए। अब कोई भी एक विधायक अगर मुझे कह देगा कि आपका काम ठीक नहीं और आप जो है रिजाइन कर दीजिए, और अगर आप भी नहीं सकता फोन पे भी बात करिए, एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा था, तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, शरद पवार की बैठक हुई, शरद पवार ने ये संकेत दिए थे कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनना है और इस सरकार को बचाना है तो एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनाने पर चर्चा जो है की जा सकती है, आप जो है एकनाथ शिंदे से बात करिए। लेकिन कुछ देर बाद एकनाथ शिंदे का ट्वीट आता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार में रहकर शिवसेना का नुकसान हुआ है, बाकी 2 पार्टियों का फायदा हुआ है, तो अगर शिवसेना के अस्तित्व को बचाना है तो इस सरकार से निकलना ही पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस सरकार से निकलकर बीजेपी के साथ सत्ता बनाइए, तभी एकनाथ शिंदे और उनके एमएलए जो है वापस आएंगे। अभी देख मैं आपको बताऊंगी, कुछ देर पहले जो है 4 एमएलए जो है और पहुंचे हैं वहां पे गुवाहाटी, और लगातार एकनाथ शिंदे द्वारा सबके वीडियो और फोटो जो है वो होटल से रिलीज किए जा रहे हैं, ताकि संख्या बल लोगों को समझ में आए कि आखिरकार कितनी संख्या उनके पास। बार बार कह रहे हैं मेरे पास 46 जो है विधायकों का समर्थन है, तो देर शाम से उनके वीडियो फोटो जो है वहां रिलीज किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल जो इस समय आ रही है, उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस छोड़ा और लगातार पूरे रास्ते में जो है लोगों को हाथ दिखाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन करते हुए वो अपने घर मातोश्री की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक इंडिकेशन भी इसका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना के विधायकों का ये रोष था कि जब से ये वर्षा में शिफ्ट हुए हैं, जब से सीएम बने हैं, तो उनके लिए एक्सेस बंद हो गया, यानी हम उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। लेकिन मातोश्री वो जगह है जहां पर बड़े से बड़ा नेता और छोटा छोटा कार्यकर्ता के लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिया जा रहा था कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि मुझसे आप मिल नहीं सकते वर्षा में, तो लो अब मैं मातोश्री आ चुका हूँ, अब मेरे दरवाजे जो है सबके लिए खुले हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन जो है वो दिया जा रहा है। तो इस समय निकले हैं पूरे रास्ते में जो है शिव सैनिक, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई खड़ा है और लगातार शिव सैनिकों का अभिवादन करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। अमित, और एक खबर बाहर निकल के आ रही है कि सरकारी बंगलो छोड़ने के बाद शायद वो सीएम पद भी छोड़ सकते हैं।
देखिए निश्चित तौर पे खबरें आ रही हैं इस प्रकार की, लेकिन जिस तरह से दोपहर को जो है हमने देखा था कि बैठक हुई और बैठक के बाद जो देर शाम जो है शरद पवार का बैठक हुई उसके पहले फेसबुक लाइव हुआ और उसके बाद तुरंत जो है संजय राउत का ट्वीट आता है कि हम संघर्ष करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी है, अभी इतनी जल्दी जो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नंबर जो है एकनाथ शिंदे बढ़ रहे हैं वहां से लगातार तस्वीरें जो है होटल से निकल के सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कयास लगाया जा सकते हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष करने के लिए और बातचीत करने के लिए जो है पर्याय खुला छोड़ा है उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस सरकार को बचाना है तो अगर वो सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें सीएम बनाइए, इस तरह का प्रस्ताव जो है हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये बहुत पुरानी बात होगी सीएम बनने की, इस सरकार में ही नहीं रहना है, क्योंकि शिवसेना के विधायक अपने आप को असहमत जो है महसूस कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं सरकार में रखे, तो अगर शिवसेना को बचाना है, शिवसेना के विधायकों को एकजुट करना है, सरकार से निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस समय सरकार से ज्यादा जो है पक्ष को बचाना जरूरी है, क्योंकि 55 लोगों के विधायकों की ये पार्टी है यहाँ पे, अब बताया जा रहा है कि 46 वहीं पे जा रहे हैं जैसा कि संकेत दिया जा रहा है यहाँ पे एकनाथ शिंदे द्वारा, तो अगर मान लीजिए कि 37-38 विधायक भी वहां पहुंचे हुए और बाकी निर्दलीय है तो भी पक्ष भी टूटने की कगार पर है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले अपना पक्ष बचाया जाए, सत्ता तो आती जाती रहेगी बाद में भी, क्योंकि 2.5 साल इस पूरे गवर्नमेंट के निकल चुके हैं, 2.5 साल बाकी है, 2.5 साल बाद फिर चुनाव होना है, तो पहले ये जरूरी है कि पक्ष को बचाया जाए, और इस समय शायद उद्धव ठाकरे समझ भी रहे हैं कि नंबर की कमी हमारे पास है, इस कारण वो निकल रहे हैं ताकि मातोश्री पहुंच के जो है दूसरी रणनीति पे भी विचार किया जा सके। अमित, जो तस्वीरें सामने आ रही है क्या हम उसे इस तरह से देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को कोई लालच नहीं है सीएम पद के लिए? देखिए साफ उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि सीएम वो बनना नहीं चाहते थे, शरद पवार ने सीएम बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि जो बाकी जो कांग्रेस एनसीपी के जो बड़े नेता थे वो बहुत सीनियर लीडर थे, तो अगर ऐसे सीनियर लीडर सामने, क्योंकि उस समय नाम आदि ठाकरे का भी आया था सीएम बनने के लिए, उस समय नाम जो है एकनाथ शिंदे का भी सामने आया था, लेकिन पवार ने ये कहा था कि आप पक्ष प्रमुख है, सबसे बड़े नेता हैं, तो सबसे बड़े नेता को लोग समर्थन दे देंगे, लेकिन अगर उससे नीचे यानी उससे छोटे नेताओं को अगर आप बनाते हैं सीएम तो काफी सीनियर लोग हैं यहाँ पे, वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और यही बात सोनिया गांधी ने भी कही थी, तो इन दोनों के कहने पे ही मैंने सीएम पद लिया, लेकिन साफ तौर पर उद्धव ने कहा कि मैं अभी पद छोड़ने के तैयार हूं, लेकिन आप जो लोग नाराज होकर सूरत गए, गुवाहाटी गए, मेरे सामने बैठ के कहिए कि मुझे रिजाइन देना, मैं अभी कर दूंगा, और एक भी विधायक अगर आगे कहता है कि उद्धव ठाकरे आपका काम ठीक नहीं है, आप रिजाइन कर दीजिए, मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले बात करिए, बात करना बहुत जरूरी है, आपने खुद फैसला ले लिया कि आखिर क्या करना है, तो लगातार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक के बाद एक प्रकरण जो है लगातार घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है। इस समय मैं आपको बताऊं कि शिवसेना जो सरकारी आवास था सीएम का, वर्षा से लेके मातोश्री तक लगातार जो शिवसैनिक जो महिला है वो भी खड़ी है, और अभी नहीं देर शाम से खड़ी है, और लोग अभिवादन कर रहे हैं आखिरकार, और लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बैठ के बात सुलझ सकती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को बात सुलझानी ही नहीं है, उन्हें इस सरकार को गिराना है और बीजेपी की सरकार बनाना है। लेकिन उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी ने हमारा क्या हश्र किया है, हमारे विधायकों के साथ क्या हश्र किया है, तो क्या दोबारा बीजेपी के साथ जाया जा सकता है, ये सवाल बहुत पहले से जो है वो उठ रहा है। लेकिन जिस तरह से गुवाहाटी के होटल से तस्वीरें लगातार जो है न्यूज 18 के हाथ लग रही है, वीडियोज आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से विधायक एकत्रित हो रहे हैं, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, वहां पे हंसी मजाक चल रही है और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे जो है इस्तीफा दे देंगे या फिर इस मामले में आगे भी संघर्ष चलता रहेगा? देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर नंबर 2/3 यानी 37 विधायक अगर हो जाते हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो वो राज्यपाल को चिट्ठी देंगे कि हमारे पास विधायकों की संख्या काफी है और हम अपना समर्थन जो है महाविकास आघाड़ी सरकार से वापस ले लेते हैं, तो अगर वापस लेने ले लेते समर्थन तो फिर फ्लोर हाउस जो है जाके अपने सिद्ध करना पड़ेगा भाजपा आघाड़ी सरकार को। और अगर क्योंकि शाम तक ये भी खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे विधान सभा जो है डिसॉल्व करने की बात कर सकते हैं, तो अगर डिसॉल्व करने का ऑफर आता है तो डिसॉल्व करने में क्या होता है कि अगर राज्यपाल मान लेते हैं कि डिसॉल्व करना है तो 6 महीने बाद जो है फिर से इलेक्शन होगा, तो दोबारा इलेक्शन में कोई जाना नहीं चाहता, और दल बंधु कानून के तहत
भी ये जानते हैं एकनाथ शिंदे कि अगर 37 विधायक नहीं हुए तो हम सभी विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए 3 दिन से खेल चल रहा है कि 37 विधायक हमारे पास हो, सबके सिग्नेचर हो, सबकी सहमति हो, सबकी परेड कराई जाए, सबकी ऑनलाइन भी परेड हो राज्यपाल के सामने, तब जाके हम आगे जो है कुछ आगे बढ़े ताकि बाद में बैकफुट पे ना आना पड़े। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं विधायकों का नंबर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अमित, लगातार 3 दिन से नई नई खबरें सामने आ रही है, सामने शिवसेना की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल के तहत काफी कामगिरी करी जा रही है, काफी नेताओं ने जो नाराज ने दारा सभ्य है उनसे मिलने की कोशिश की थी, पर मान सकते हैं कि कोई भी पैंतरा सफल नहीं हो रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे की एक ही बात है, पीएम बनने की बात तो पुरानी हो गई, जब 2.5 साल पहले जब बात चल रही थी महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन की तब लग रहा था कि सीएम बनना है उन्हें, तब उन्हें बनाए जाने का नाम भी सामने आ गया था, लेकिन बाद में उनके नाम को पीछे ले लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो सूत्र हमारे बताते हैं कि सुभाष देसाई जो वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री भी है संजय राउत, इन लोगों ने एकनाथ शिंदे के नाम का विरोध किया था। तो एकनाथ शिंदे तब से ही पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, किसी भी बड़े जो है कार्यक्रम में उन्हें जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा था, उनके कामों पे जो है उन्हें शाबाशी नहीं दी जा रही थी, बड़े फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था, संजय राउत का कद बढ़ रहा था और इनका कद छोटा हो रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा हाईवे बहुत कम समय बनाया लेकिन उसके लिए भी उनकी सराहना नहीं की गई, उनके विधायकों को और उनको फंड नहीं दिया जा रहा था, उनके मंत्रालय में फाइलों पर जो है हस्तक्षेप किया जाता, साइन करने नहीं दिया जाता, और खासकर आदित्य ठाकरे जो है लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। तो इससे मैं आपको बताऊं कि लगातार इस तरह की चीजें निकल के सामने आ, इससे ये नाराज चल रहे हैं। अब उनका साफ तौर पे कहना है कि इस सत्ता से निकलकर ही पक्ष और यहाँ पे विधायक दोनों बचाए जा सकते हैं, वरना दोनों में से कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कहना एकनाथ शिंदे उनके समर्थकों का है। अमित, एकनाथ शिंदे का जो बयान सामने आया था कि वो शिवसेना तो नहीं छोड़ रहे, साथ ही में एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी वो नहीं रह रहे, तो आगे राजकीय गणित कैसे बैठेगा? देखिए, वो ये समझ रहे हैं, जैसे क्या हुआ कि आज शाम को एक व्हिप जारी हुआ कि 5 बजे जो है एमपी एमएलए की को सबको बुलाया गया, सबको हाजिर होना है और जो हाजिर नहीं वो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो खुद का एक व्हिप बनाकर एक लेटर जारी किया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से कि जब 55 में से जो है 40 तक विधायक मेरे पास है, आपके पास गिने चुने 12-14 लोग हैं, तो हमारे पास नंबर ज्यादा है, तो आप व्हिप कैसे जारी कर सकते हैं? तो उन्होंने व्हिप भी जारी किया और वहां के लोगों के जो 34 विधायकों के सिग्नेचर भी दिए, 34 विधायकों ने माना कि हमारे विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे ने भरत गोगोई को जो है यहाँ पे चीफ व्हिप जो है खुद नियुक्त कर दिया। तो यही खेल चल रहा है यहाँ पर कि नंबर हमारे पास ज्यादा है तो पार्टी हमारी हुई, यानी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि असली शिवसेना हम है और नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि नंबरों का खेल हमारे पास है। अमित, अभी जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने अपना घर छोड़ दिया है, वो मातोश्री की तरफ चले गए हैं, अभी जो उनके समर्थन में भी काफी लोग रास्ते पे आ गए हैं, उन पे फूलों की बरसा हुई, उसके जो अगर सामने देखे तो गुवाहाटी में बहुत ज्यादा एमएलए जुड़ चुके हैं, तो आगे क्या देख रहे हैं, अभी कौन सी सरकार बनेगी, क्योंकि महाअघाड़ी जो सरकार अभी बैठी है वो गिरना लगभग तय हो गया है। देखिए, ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि नंबरों का खेल देखें तो सरकार का गिरना जो है बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है अगर आए नहीं है तो आप कैसे साबित कर पाओगे? अगर आप कहते हो कि यहाँ पे विधानसभा जो है डिसॉल्व की जाए यहाँ पे, तो आपको 6 महीने बाद चुनाव में आना पड़ेगा और डिसॉल्व करने पे राज्यपाल की सहमति भी नहीं होगी, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगर सहमति नहीं होगी तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको फ्लोर पे जो है अपने आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा, लेकिन नंबर कम है तो बहुमत साबित भी नहीं हो सकता, तो राज्यपाल क्या करेंगे कि जो दूसरी पार्टी है बीजेपी उनको न्योता देंगे कि आप बहुमत साबित करें? तो अगर एकनाथ शिंदे का गुट पूरा तरीके से बीजेपी को समर्थन कर देता है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने देखा दिन भर हलचल चली यहाँ पे, और सूत्र हमारे ये बता रहे थे कि देर शाम ही इस्तीफा दे सकते थे यहाँ पे फेसबुक लाइव में अनाउंस कर सकते उद्धव ठाकरे, लेकिन फेसबुक लाइव को इसलिए लेट हुआ कि उनकी मुलाकात उनकी जो बातचीत है वो कमलनाथ से हुई, शरद पवार से हुई, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि नहीं अभी सही वक्त नहीं, अभी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे का काफिला जो है रुका और रुक में उन्होंने वो बाहर आए गाड़ियों से, सभी जो शिव सैनिक है वो जो है उन्होंने सबका अभिवादन किया, यहाँ पे वर्ली इलाके में जो है पहुंचे हुए हैं, अभी गाड़ी रोकी क्योंकि पूरा जो रोड है जाम हो चुका है शिव सैनिकों से, महिला पुरुष बच्चे सभी है शिवसेना के नाम से अभिवादन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की जय जयकार कर रहे हैं। तो अभी वो गाड़ी से उतरे, उतर के जो है सबको हाथ दिखाया, सबको नमस्कार किया, और हाथ दिखाते हुए जो है अभी वो गाड़ी में फिर बैठे, उनका काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये तस्वीरें वर्ली इलाके की हैं।
वर्ली इलाके में। वर्ली इलाका कौन सा है? जो वर्ली इलाका आदित्य ठाकरे का गढ़ है, और यहीं से वर्ली इलाके से ही आदित्य ठाकरे विधायक इस बार चुने हुए हैं, और यहीं से जो है विधायक चुनकर वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इस समय शिवसैनिकों में नाराजगी एकनाथ शिंदे के खिलाफ कि एकनाथ शिंदे पुराने नेता है, सेकंड कद से, यानी उद्धव ठाकरे के बाद जो है दूसरा कद माना जाता था शिवसेना में, लेकिन जिस तरह से जो है उन्हें नजरअंदाज किया गया और वो उन्होंने जो हरकत की उसे शिवसैनिक नाराज है। देखिए पीछे की गाड़ी में जो है पत्नी रश्मि ठाकरे मौजूद है और आदित्य ठाकरे भी मौजूद है, और दोनों के चेहरे पे जो है मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि अब ये मुस्कान जो है वो किस तरह की मुस्कान उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर कम हो रहे हैं, परेशानी हर जगह पड़ चुकी है, और एक पक्ष की वजह से बाकी। जी जी अमित, शुक्रिया सब माहिती के लिए। तो उद्धव ठाकरे तेमनू घर जे सरकारी बंगलो पहुंच पाए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कि वर्षा बंगले से जब निकले हैं तब उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई है। हालांकि वो अपना सामान साथ लेकर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश दिया है अपने नाराज विधायकों को कि आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, अगर आपको लगता है कि हमें मैं मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं हूँ तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन आप में से डिसाइड कर लो कि मुख्यमंत्री किसको बनना है। शरद पवार के साथ उनकी मीटिंग होती है, लेकिन आप जिस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मातोश्री के बाहर हुजूम देखने को मिल रहा है, तो यही बताता है कि जब उद्धव ठाकरे यहाँ पहुँचेंगे तो ये तमाम कार्यकर्ता उनका अभिवादन करने के लिए तैयार खड़े। आप देखिए पूरा ये रोड जो है वो पुलिस को बंद करना पड़ा है, क्योंकि इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मातोश्री के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सिग्नल है मातोश्री इलाके का, कलानगर सिग्नल, और यहीं पर उद्धव ठाकरे जो है हर दिन उनकी दिनचर्या होती है कि कामकाज के बाद वर्षा बंगलों से वो मातोश्री आते हैं, लेकिन आज कुछ कहीं ना कहीं उनके मन में जो तकलीफ है उन्होंने अपने संबोधन में भी कही कि जिस तरह से राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने दोनों ने उन्हें सपोर्ट किया, उनको उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले उनके पार्टी के लोगों को उन पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें तकलीफ हुई है। और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी तकलीफ को बता भी रही थी कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से पिछले 48 घंटों से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उससे काफ़ी दुखे हुए हैं। उनके जो 40 से 42 विधायक है वो नाराज होकर गुवाहाटी के होटल में हैं, मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आपने एकनाथ शिंदे का जवाब सुना होगा, आपने एकनाथ शिंदे का जवाब जो ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रिश्ता तोड़ दीजिए, वापस आ जाएंगे, एक सीधा सीधा संदेश था एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे को। तो ऐसे में आगे की रणनीति अब शिवसेना की और उद्धव ठाकरे की क्या होगी कल, ये देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम जो विधायक हैं, चार से पांच विधायक शाम को पहुंचे हैं गुवाहाटी, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है एकनाथ शिंदे के पास वह बढ़ती जा रही है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे इस तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मनाने में कामयाब हो जाते या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम जारी है वो यही बताता है कि शिवसेना अब दो फाड़ में बढ़ चुकी है, दो फाड़ हो चुकी है, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना है। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे हैं, आपने मातोश्री वहाँ वर्षा की बंगले की तस्वीर देखी है, मातोश्री की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हैं। अब से कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये कार्यकर्ता उनका अभिवादन करेंगे। हालांकि उनका जो कॉन्वॉय है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है बंगले के अंदर चला जाए, इसलिए पुलिस भी इन्होंने रास्ता खाली कराना शुरू कर दिया है, लोगों जो कार्यकर्ता हैं उनको रोड के साइड किया गया है कि आप लोग साइड खड़े हो जाएं, मुख्यमंत्री की गाड़ी आने वाली है। तो ऐसे में पुलिस की भी तैयारियां हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हैं। जाहिर तौर पर यहां पर ये बताने की पूरी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे ही उनके नेता हैं इन शिवसैनिकों के द्वारा, और ऐसे में अब ये अहम हो जाता है कि आगे की रणनीति किस तरह से होगी, सरकार कैसे बचेगी, ये भी अभी भी सवाल है, और ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे તેમનો જે સરકારી બંગલો છે તે છોડી ચૂક્યા છે, વર્ષા બંગલોથી તે માતોશ્રી તરફ જઈ રહ્યા છે, અને રસ્તા પર હજારોની સંખ્યામાં શિવસૈનિકો ઉમટી પડ્યા છે। એક પ્રકારે કહી શકાય કે શક્તિ પ્રદર્શન જેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। એક તરફ ગુવાહાટીમાં તેમના 30 થી વધારે ધારાસભ્યો છે જે વિરુદ્ધમાં છે, નારાજ છે, તો સતત અમે આપણે દ્રશ્યો પણ બતાવી રહ્યા છે, તે વર્ષા બંગલોથી જ્યારે નીકળ્યા ત્યાંના દ્રશ્યો છે। હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, તેમના પર ફૂલોની વર્ષા કરવામાં આવી હતી, તે હવે માતોશ્રી તરફ જઈ રહ્યા છે।
एक भावुक स्पीच जरूर नजर आ रही थी, और वो भावुकता जो थी वो तमाम उन शिव सैनिकों के लिए थी जो उनके जरिए उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन साफ तौर पर एक ऐसी बात उन्होंने रखी जिसके जरिए जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक मौजूद हैं उन तक ये मैसेज जाए कि वो चाहते हैं कि भले ही वो चीफ मिनिस्टर ना बने रहे, वो चाहते हैं कि शिवसेना से ही कोई चीफ मिनिस्टर बने। एक बार फिर से हम अनुपमा का रुख कर लेते हैं। अनुपमा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिवाकर, कितनी देर में मातोश्री पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे? देखिए प्रीति, 5 से 10 मिनट का वक्त और लग सकता है, क्योंकि जब उनका कॉन्वॉय निकलता है तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है उनके सिक्योरिटी की तरफ से, ताकि बीच में कोई गाड़ी ना आए। उनका कॉन्वॉय जो है बिना किसी व्यवधान के निकलता चला जाता है। 5 से 10 मिनट का वक्त जो है, क्योंकि वर्षा बंगला जो है वो मालाबार हिल इलाके में आता है, यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी है मातोश्री की मालाबार हिल के लिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सीलिंग के रास्ते सीधा बांद्रा इलाके में इसी सिग्नल के पास जो है उतरते हैं, जो ब्रिज उतरता है वहां से सीधा वो इसी मातोश्री के रास्ते, इसी कलानगर सिग्नल के रास्ते जो है मातोश्री के अंदर जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट का वक्त प्रीति और लग सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पहुंचने में। लेकिन हालांकि जगह जगह पर शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से निकले हैं, कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया है, वर्षा पे आपने तस्वीरें देखी किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके विधायक मौजूद थे, उनका उन्होंने जिस तरह से धन्यवाद किया है, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया है और उसके बाद निकले हैं। तो अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वक्त में, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ किसी व्यवधान के वो मातोश्री में अंदर चले जाएं, इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए ये बीच का रास्ता जो है वो खाली कराया गया है और ये सामने जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है यही मातोश्री सिग्नल है। अब जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुंचेगी तमाम जो है ये कार्यकर्ता इकट्ठा है, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाएंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और ऐसे में क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिल्कुल दिवाकर, देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हैं वो वर्षा के बाहर की भी कुछ ऐसी ही थी कि शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर मौजूद थे और फूलों के साथ जो है स्वागत किया गया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, उनके पूरे परिवार का। लेकिन ये समझने की कोशिश अब दर्शकों के लिए हम समझाने की कोशिश आपके जरिए कर रहे हैं कि देखिए संभावनाएं अब क्या बन रही है, क्योंकि अगर उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ दिया है और अब वो मातोश्री चले गए हैं जो सरकारी बंगला है, तो ऐसे में क्या समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए, कि जो जानकारी अब तक है कि क्या उद्धव ठाकरे कल इस्तीफा दे सकते हैं या फिर कोई और भी बड़ी बैठक कल वो मातोश्री में कर सकते हैं? देखिए अगर उद्धव ठाकरे के आपके भाषण के आज को देखें तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें थी। एक था कि भाषण पूरी तरह से भावात्मक था, मतलब उसमें भावुकता काफी ज्यादा थी। दूसरा, जो नाराज विधायक है और एकनाथ शिंदे, उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम पूरे भाषण में नहीं लिया, इसके अलावा किसी विधायक का नाम उन्होंने भाषण में ले लिया, लेकिन इशारे में उन्होंने आह्वान कर दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे में उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे इसका जवाब क्या इस पर आता है, तो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर बाहर आ जाइए और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर कल की तस्वीर क्या होती है अनुपमा, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल की बैठकों के बाद इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कल अगर राज्यपाल एकनाथ शिंदे को जो है समय दे देते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बड़ी मीटिंग की जाती है, कोई और पैंतरा अपनाया जाता है सरकार बचाने का, या फिर कल जो है वो इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ यतेंद्र भी लगातार बने हुए, क्योंकि यतेंद्र आप भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहां से जा रहे थे। चाहे कितना भी वर्चस्व कम हो जाए, चाहे कितना भी कह दिया जाए एकनाथ शिंदे की तरफ से कि देखिए वो शिवसेना नहीं रही, लेकिन आज आपने भी वो तस्वीरें देखी जब मुख्यमंत्री यहां से निकले तो आखिर किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे उनके स्वागत के लिए और बस एक ही नारा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। अनुपमा, इसी को राजनीति कहा जाता है। राजनीति वैसे तो आंकड़ों की जादूगरी कही जाती है कि जिसके पास आंकड़े हैं, जिसके पास नंबर गेम है उसी का सिंहासन होगा, लेकिन भारतीय राजनीति की खूबसूरती है, या वो कहते हैं उसका एक बड़ा हथियार है कि अपने कार्यकर्ताओं को और खासकर जनता को इमोशनल कर देना, भावुकता भरे दृश्यों से उनको पिघला देना। तो ये काम आज बखूबी उद्धव ठाकरे ने करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे। कोशिश उद्धव ठाकरे के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा यही की जा रही थी कि जो जादू शिवसेना का रहा है वो एक बार फिर से दिखाई दे, और जो लड़ाई वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, संख्या वाली जो आंकड़ों की लड़ाई है जो वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सड़क पर दिखाई देनी चाहिए कार्यकर्ताओं की आंखों में,
जो आंसू दिखाई दे रहे हैं या जो गुस्सा दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ, वो उतर कर आना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मौका भावुकता का नहीं है, क्योंकि भावुकता तब काम आती है जब वोटिंग होती है या जो सुबह खबरें संजय राउत ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि विधानसभा भंग हो सकती है। लेकिन जब वो टेक्निकली देखा गया कि विधानसभा भंग तो राज्यपाल के द्वारा होगी, तो अब उस बात आंकड़ों पर ही चली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल यतीन्द्र, और देखिए जो आप चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये बात सच है कि देखिए सरकार बनानी है तो नंबर्स चाहिए, और नंबर जो है फिलहाल एकनाथ शिंदे इस बात का दावा करें कि हमारे पास जो है ज्यादा है। मैं आपसे समझूंगी जरूर कि आखिर नंबर जो है वो क्या कुछ करें। लेकिन एक बार फिर से लिए चलते हैं दिवाकर के पास, जो मातोश्री में मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले। सीधी तस्वीरें वहां की दिवाकर दिखाइए दर्शकों को जरा। अनुपमा, एक बार फिर से मैं तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पर आने वाले हैं और यहीं से इसी रास्ते से वो अपने मातोश्री बंगले में जाएंगे, और ऐसे में तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और क्योंकि जिस तरह से वर्षा बंगले की तस्वीरें सामने आई, उससे ज्यादा जो सैन्य शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो रोड है पूरा दोनों तरफ का, उसको पुलिस को बंद करना पड़ा है। पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। खुद जो जोनल DCP सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग के पीछे तमाम कार्यकर्ता है। मैं दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊँ, अगर इस तरफ की अपने दाईं तरफ की तस्वीरें कैमरामैन से कहूँ अगर दिखाएं, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने की आहट उनको मिल गई है, 5 से 10 मिनट के समय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए अपना समर्थन यहाँ पर ये कार्यकर्ता देने के लिए आए हैं। साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है कि उनके नेता उद्धव ठाकरे ही हैं, एकनाथ शिंदे नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा करते रहे हैं कि शिवसेना अब उनकी है, क्योंकि दिवाकर क्या कोशिश की जा सकती है एक बार उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की, आखिर वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अब लड़ाई जो है वो सिर्फ सत्ता की नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, अब लड़ाई इस बात की है कि आखिर शिवसेना किसकी है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार जो शिवसेना के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है, इनसे आप एक बार समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जी अनुपमा, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। मुख्यमंत्री का काफिला शायद आ चुका है नजदीक में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कार्यकर्ताओं से। पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, और मैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। नितिन जी, लगातार शिवसेना में दो गुट बन